स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो सभी लोग वीडियो को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस समय तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ गए हैं तो सभी लोग वीडियो को तुरंत फटाफट शेयर कर दीजिए। तो आज जो मेरा लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल यानी एनिमल हस्बेंड्री, यह जो हमारा सब्जेक्ट है कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। क्या रहेगा? कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो आप सभी लोग का जैसे सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड पेपर बहुत ही नजदीक आ गए, यानी 24 मार्च से बोर्ड पेपर स्टार्ट है। इसके बाद आप सबका यूपी कैडर का जो फार्म वो भी आ गया है और आप सभी को यानी जो इस समय पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पेपर के साथ साथ अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी लोग वीडियो को फटाफट आप जिस भी इंटर कॉलेज है जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के छात्र हैं तो आप सभी लोग तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। देख लेते हैं कितने स्टूडेंट लाइव आ गए हैं। सूरज सिंह गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट इसमें लाइव आ गए। अभिषेक त्रिपाठी, गौतम, गुरफान अंसारी, सर्वेश मिश्रा, सत्यम वर्मा, अर्जुन कुमार, आकांक्षा पाल, अतुल कुमार, चलिए सभी लोग शेयर कर दिए। शिवम कुमार, यूपी बोर्ड 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपने जो आपके ग्रुप के जो भी बच्चे हैं सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उन सभी लोगों को आप वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए फटाफट। आज आप सबको एक एक इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री का हमारा टारगेट रहेगा कि आप सबको कंप्लीट करा दें। जो भी बोर्ड पेपर अगर आप यहां से पढ़ाई कर ले तो ये पूरा गारंटी है कि जितना भी बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं अगर जिस चैप्टर जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा उससे कहीं बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए, कम से कम 40 से 50 बच्चे जिससे आ जाए जिससे पढ़ाने में भी हम सबको मोटिवेशन मिलता और थोड़ा पढ़ाई भी एक अच्छी तरीके से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो ये मोटिवेट और मोटिवेशन के साथ आप सबको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सभी जानते हैं इस समय लगभग होली का त्यौहार आजकल है मनाया जाएगा जो तो सभी लोग इस समय काफी बिजी होंगे लेकिन तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो पढ़ाई है क्योंकि जिस चीज से अगर हमारा जो सपना है अगर उसको हम भूल जाएंगे तो समझ लीजिए फिर वो दिक्कत करेगा आगे चल के हमारे लिए। सत्यम वर्मा कह रहे सर क्लास स्टार्ट करिए, चलिए बिल्कुल सही स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए गुलाल का रंग और खुशियों का त्यौहार, गुलाल का रंग और खुशियों का त्यौहार, आपकी बात तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ। गुलाल का रंग और खुशियों के त्यौहार, आपकी बात तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ करेंगे परीक्षा पर वार। सबकी बात जितने भी आप यूपी कैडर की तैयारी कर रहे हैं और प्लस इंटरमीडिएट तो सभी के लिए वीडियो लगभग काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। क्या देखेंगे? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जिसे बोला जाता है पशुओं का पालतूकरण। क्या कहा जाता है? पशुओं का पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी इंग्लिश में बोला जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या हो जाएगा? एनिमल्स। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या हो जाएगा पशुओं का पालतूकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुओं का पालतूकरण। अब देखिए यहाँ पर आप सबको हम देखते हैं। अब यहाँ पर पहला जो हमारा हेडिंग है कि पशुओं को पालतूकरण बनाने का जो प्रारंभिक समय, ये जो हमारा हेडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा, इसको हम हेडिंग मान सकते हैं। क्या हेडिंग मान सकते हैं? कि पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय। क्या? प्रारंभिक समय, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टाइम्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या बोला जाता है? टाइम्स ऑफ एनिमल या डोमेस्टिकेशन, यानी पशुओं को पालतूकरण बनाने के जो प्रारंभिक समय था तब इसे पालतू बनाया गया था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
कि सबसे पहले अगर देखा जाएगा किस पशुओं को मनुष्य ने सबसे पहले किस जीव जंतु या किस पशुओं को पालतू बनाया था, तो आप सभी लोगों को पता है डॉग यानी कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था किस जीव जंतु को पालतू बनाया था, तो डॉग यानी कुत्ता को बनाया था। किसको डॉग या इसलिए क्योंकि वो हंटिंग यानी शिकार के पर्पज से, किसके लिए शिकार के, जब वो जंगलों में शिकार करने जाते थे तो पशुओं को अपने जो डॉग या कुत्ता था उसको अपने साथ ले जाते थे। इस पर्पज से उन्होंने मतलब सबसे पहले किस जीव जंतु को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया था, तो डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा डॉग, किस पर्पज से, तो शिकार के पर्पज से, हंटिंग पर्पज से, किससे हंटिंग पर्पज से। अब देखिए यहाँ पर है कि पशु को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्या है टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, आकांक्षा पाल बता रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद इसके लिए। हमारे जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की जो पूरी टीम है नंबर वन यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो आप सभी लोग वीडियो के बाद जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो के बाद आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो सभी लोग हमें यहाँ पर जो तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी की तरफ से आग लगा देना है, जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट है उन तक ये हमारा जो वीडियो हो तो यूट्यूब चैनल तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताना है। चलिए अब यह हो गया कि पशुओं के पालतू बनाने के जो प्रारंभिक समय यानी हमारा एनिमल टाइम्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। अब पहला देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमारे ये आता है क्वेश्चन मान लेते हैं, पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ। इन्हें सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि पशु विज्ञान का प्रारंभ, क्या पूछा जाता है पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ, तो पशु विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था नियोलिथिक पीरियड, अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, क्या कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, या जिसे नवपाषाण युग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है नवपाषाण युग या नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है ठीक है, तो पशु विज्ञान का प्रारंभिक युग यानी पशु विज्ञान का प्रारंभिक या पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ था, क्या है पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ था, तो नियोलिथिक पीरियड में, किसमें हुआ था नियोलिथिक पीरियड, या जिसे बोला जाता है नवपाषाण युग, क्या बोला जाता है नवपाषाण युग। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ था, पहला क्वेश्चन जो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन सकता है कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ था, तो किस युग में हुआ था नियोलिथिक पीरियड, या जिसे बोला जाता है नवपाषाण युग बोला जाता, क्या बोला जाता है नवपाषाण युग कहा जाता। अब देखिए अगला हमारा जाता है और नवपाषाण युग इससे पहले, अब यहाँ पर देखेंगे नवपाषाण युग इससे पहले पेलियोलिथिक, क्या होता है पेलियोलिथिक पीरियड जिसे बोला जाता है पेलियोलिथिक, सॉरी यहाँ पर पेलियोलिथिक पीरियड में क्या हो जाएगा पेलियोलिथिक पीरियड में मानव पशुओं यानी पेलियोलिथिक पीरियड में मानव पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था, मतलब इससे पहले जो हमारा युग था, क्या इससे पहले जो हमारा युग था जिसे बोला जाता है पेलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, क्या बोला जाता है पेलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, इसमें मनुष्य यानी नियोलिथिक पीरियड से पहले, क्या किससे पहले नियोलिथिक पीरियड से पहले जिसे बोला जाता है पेलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य पशुओं को, क्या मनुष्य पशुओं को अपने भोजन, किसके लिए अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था, किसके लिए। तो आपको यह ध्यान रखना कि मनुष्य पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों का शिकार किस युग में करता था, तो पेलियोलिथिक पीरियड में जिसे बोला जाता है, क्या पेलियोलिथिक पीरियड में यानी शिकार करता था, किससे पहले यानी नियोलिथिक पीरियड से पहले या नवपाषाण युग से पहले। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मनुष्य या पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ, नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड, इससे पहले मनुष्य जो होता है पशुओं का पालन किस पर्पज से करते थे, किस उद्देश्य से करते थे, तो इससे पहले जो जिसे बोला था पेलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, पेलियोलिथिक पीरियड युग में मनुष्य जो होता है पशुओं का पालन भोजन तथा कपड़ों के लिए करते थे, किसके लिए यानी पशुओं का पालन भोजन कपड़ों के लिए शिकार करते थे, जैसे जितने भी हमारे पशु थे उनका जो होता है यानी मनुष्य द्वारा पहले शिकार किस पर्पज से किया जाता था, उनका जो शिकार किया जाता था वो भोजन के लिए तथा कपड़ों के लिए किया जाता, किसके लिए भोजन के लिए तथा कपड़ों के लिए किया जाता था। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ,
नौ पाषाण काल या जिसे बोला था न्योलिथिक पीरियड, नौ पाषाण काल से पहले, किससे, नौ पाषाण काल से पहले मनुष्य जो पशुओं का शिकार करता था वो किसके लिए, अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता, किसके लिए, अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि लगभग 6000 वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व, क्या हो जाएगा, लगभग 6000 वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व भेड़ बकरी तथा गाय को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया था। इन्हें अगर इसको हमें डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते, मतलब थ्योरी टाइप के बेस में, हमने आप सबको बता दिया कि पशु विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था, नव पाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड में होते, इससे पहले पीलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य जो था पशुओं का जो शिकार करता था अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए करता था, किसके लिए, अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए करता था। उसके बाद लगभग 6000 वर्ष पूर्व या 6000 लगभग वर्ष या ईसा पूर्व जो मनुष्य जो होता है यानी भेड़ बकरी तथा गायों को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछ लेता कि भेड़ बकरी तथा गायों को मनुष्य द्वारा कब पालतू बनाया, कितने वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व, तो 6000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य द्वारा भेड़ बकरी तथा गाय को पालतू बनाया गया था। इतना आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पशु विज्ञान का प्रारंभ इससे पहले जो होता मनुष्य यानी न्योलिथिक पीरियड या नौ पाषाण काल से पहले मनुष्य पशुओं का शिकार किस उद्देश्य से करते थे, उसके बाद भेड़ बकरी तथा गाय को मनुष्य द्वारा पालतू कब बनाया गया था, तो लगभग 6000 वर्ष पूर्व या 6000 ईसा पूर्व बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशु के पालतूकरण बनाने का प्रारंभिक स्थान, क्या हो जाएगा, पशु के पालतूकरण बनाने का प्रारंभिक स्थान, ये हमारे हेडिंग टाइप हो जाएगा, क्या एक समझ लीजिए एक हेडिंग हो जाएगा, तो पशुओं के पालतूकरण बनाने की जो हमारा प्रारंभिक स्थान। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखिए गाय वर्ग में, क्या गाय वर्ग में, कुक्कुट वाली गाय, कुक्कुट मतलब जिन गायों में कुंवर, यहां देखे होंगे आप में कुछ जो गाय होती जिनमें क्या ऐसे कुंवर पाया जाता, क्या कुंवर पाया जाता है, इसी को बोला जाता है कुकन या हमचर, या हमचर यानी जिनके जो होता कुंवर पाया जाता है। आप देखे होंगे कुछ गाय में जो होता कुंवर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कुंवर। गाय वर्ग में कुक्कुट वाली या जिसे बोला जाता है हमपेड, क्या बोला जाता है, हमपेड। इन गाय का जो जोलॉजिकल नेम होता बोस इंडिकस होता, क्या होता, बोस इंडिकस, यानी जो अब देखिए बोस इंडिकस जो हमारा जन वैज्ञानिक नाम है, ये हमारी देसी गाय का है, किसका, देसी गाय या जिसे बोला जाता है कुक्कुट वाली गाय, क्या बोला जाता है, कुक्कुट वाली गाय या देसी गाय, या जिसे बोला जाता है कुंवर वाली गाय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कुंवर वाली गाय कहा जाता है। यानी जो हमारी कुंवर वाली या कुक्कुट वाली जो गाय होती है उन्हें जो बोला जाता है, हम इन गाय को जोलॉजिकल नेम या जिसे बोला जाता देसी गाय, क्या कहा जाता है, देसी गाय। इनका जोलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता, क्या होता, बोस इंडिकस का पालन सर्वप्रथम तत्कालीन भारत भूमि पर शुरू किया गया था। यानी जो कुक्कुट वाली गाय होती है या जिसे कुंवर वाली गाय बोला जाता है, इनका जो सबसे पहले जो पालन प्रारंभ किया जाता है, यह भारत की भूमियों पर प्रारंभ किया गया था। कहां पर किया गया था, भारत की भूमियों पर प्रारंभ किया गया था। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, देसी गाय या भारतीय गाय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, देसी गाय या भारतीय गाय कहा जाता है। तो इतना सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने ये हेडिंग डलवाया था कि प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं के पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। यानी तो कुक्कुट वाली गायों का जिनका जोलॉजिकल नेम होता है या देसी गाय जिसे बोला जाता है बोस इंडिकस होता, क्या होता, बोस इंडिकस। इन गायों का जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम पालन जो होता तत्कालीन भारत भूमियों पर प्रारंभ किया गया था। कहां पर प्रारंभ किया गया था, भारत की भूमियों पर प्रारंभ किया गया था। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आ जाता है, अगर हमारा पॉइंट आ जाता है कि बिना कुक्कुट वाली या जिसे बोला जाता है हमप्लेस, मतलब जिन गायों में कुंवर नहीं पाया जाता है या जिन जो हमारी गायों की जातियां होती है उनमें कुंवर नहीं पाया जाता है, बिना कुक्कुट वाली गाय, बिना कुक्कुट वाली या हमप्लेस। अब इन गायों का जो जोलॉजिकल नेम होता है बोस टॉरसस होता है, क्या होता है, बोस टॉरसस, या जिसे बोला जाता है विदेशी गाय, क्या बोला जाता है, विदेशी गाय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विदेशी गाय कहा जाता है। यानी बिना कुंवर वाली गायों का जो अगर पूछ लेता है उनका जोलॉजिकल नेम क्या होता है या विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बोस
होता है, क्या होता है बॉस, टॉर्सस होता। इनका जो पालन शीत जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ होता, कहां पर प्रारंभ होता, शीत जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ होता है। यदि हमने आप सबको पहले बताया कि जो कुकद वाली गाय होती जिनमें हम पाए जाते या कुबड़ पाया जाता है, इन गायों को जो प्रारंभ हुआ था वो भारत की भूमि पर हुआ था। कुकद वाली गायों के जंत वैज्ञानिक नाम हमने बता दिया बोस इंडिकस होता, या भारतीय गाय के जंत वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। आकांक्षा पाल विदेशी गाय का जो लिस्ट है बोस टॉर्स, हाँ चलिए बोस टॉर्स से लिखा जाता, कहेंगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अनमोल पांडे सर एग्जाम प्रिपरेशन कराइए, भैया वही करा रहे हैं आप, अगर किताब उठा के देखोगे तो आपके इंटरमीडिएट में सब क्वेश्चन दिए, वही आपको हम बुक से तैयारी करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई बाहरी पढ़ाई है। अगर आप किताब उठा के देखोगे पहले चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन में यही आप सब कर दिया है। शिवम कुमार बता रहे कुबड़ वाली गाय या बिना कुबड़ वाली गाय, तो इसके बारे में हमने आपको तो पहले बता दिया है। सबसे पहले किसको हमने बता दिया आप सबको, सबसे पहले किस जंतु को, तो यानी कुत्ते को पालतू बनाया गया था। चलिए ठीक है, कितना आप सबको देखिए, यानी कुबड़ वाली गाय जो हमने बता दिया और बिना, अब बिना कुबड़ वाली जैसे बोला था हम्पलेस या विदेशी गाय, बोस टॉर्सस निकल जाता, बोस टॉर्सस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा विदेशी गाय के जंत वैज्ञानिक नाम। इनका जो पालन जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था शुष्क जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था, कहां पर हुआ था, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए आगे आ जाता है कि भारत में पाली जाने वाली भैंस, यानी भारत में जो भैंस पाली जाती है उनका जो जंत वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बुबैलस बुबैलिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुबैलस बुबैलिस। की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्थान दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है, यानी भारत में जो भी भैंस की नस्ल पाली जाती है, क्या भारत में जो भी भैंस की नस्ल पाली जाती है, यानी भैंस का जो जंत वैज्ञानिक नाम होता है बुबैलस बुबैलिस होता है, क्या होता है, बुबैलस बुबैलिस। की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्थान, मतलब जो हमारे देश में जो भैंस पाली जाती है जिनका जंत वैज्ञानिक नाम हो बुबैलस बुबैलिस, इनका जो उत्पत्ति स्थान दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में जो भी भैंस पाली जाती है बुबैलस बुबैलिस, इसका उत्पत्ति या प्रारंभिक स्थान कहाँ पर माना जाता है, तो दक्षिण या दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है। या इसको आप एक पॉइंट वाइज बना के भी लिख सकते हैं, अगर पूछ लेता है कि गाय या भैंस की उत्पत्ति के बारे में वर्णन कीजिए, किसके बारे में, गाय और भैंस के उत्पत्ति के बारे में वर्णन कीजिए, या इनके बारे में आप लिखिए उनका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में अगर आपको पूछ लेता है तो आप यहाँ पर अगर मेन पॉइंट अगर आप वहां पर लिख देते हो तो आपको बोर्ड पेपर में एक सटीक आंसर वहां पर हो जाएगा। आप क्रोमोसोम नंबर आप सबको बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट आप सबको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये यानी भारत में जो भैंस पाली जाती है आप सबको ये पता, भैंस के जंत वैज्ञानिक नाम बुबैलस बुबैलिस, उसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखिए अब अगला जाता है, अब जाता है भेड़, ठीक है। भेड़ का अगर जंत वैज्ञानिक नाम पूछ ले ओविस एराइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओविस एराइस। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भेड़ का जंत वैज्ञानिक नाम ओविस एराइस, तथा बकरी का अगर पूछ लेता बकरी के जंतु वैज्ञानिक टाइप्रा हेरिकस सुन लेगा, क्या हो जाएगा, टाइप्रा हेरिकस का विकास, यानी भेड़ तथा बकरियों, क्या हो जाएगा, भेड़ तथा बकरियों। तो आपको यहाँ पर भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना ओबिस एराइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओबिस एराइस, तथा बकरियों के जंतु वैज्ञानिक टाइप्रा हेरिकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइप्रा हेरिकस हो जाएगा। का विकास, का विकास 1000 वर्ष पूर्व एशिया के शीतल क्षेत्र या यूरोप में माना जाता है, यानी अगर पूछ लेता है कि भेड़ तथा बकरियों का विकास, किसका, भेड़ तथा बकरियों का विकास अगर पूछ लेता है कहां पर और कब हुआ, भेड़ तथा बकरियों का जो विकास हुआ था 1000 वर्ष पूर्व एशिया के शीतल क्षेत्र, यानी जो एशिया के हमारे कोल्ड क्षेत्र माना जाता है, कोल्ड जलवायु जहां पर या ठंडी जलवायु पाया जाता तथा यूरोप में हुआ था, यानी भेड़ तथा बकरियों का जो विकास होता है, किसका, भेड़ तथा बकरियों का विकास एशिया के शीतल क्षेत्रों या यूरोप क्षेत्रों में माना जाता है, ठीक है। तो भेड़ का जंत वैज्ञानिक नाम
ओबिस एराइस हो जाएगा, बकरी के जंतु वैज्ञानिक नाम कैप्राडिनकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्राडिनकस हो जाएगा। बता रहा हूं आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भिंडी की बीदर, अभी चलिए भिंडी की बीदर आप सबको बता देते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी आपको बताते हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि बिना कुक्कुट वाली गाय के जन्म वैज्ञानिक नाम बोस्टोरिसस होता है। इनका जो पालन जो होता है कपड़ा कहाँ से प्रारंभ होता है? सिद्ध जलवायु क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था। भारत में पाई जाने वाली भैंस, तो भैंस के जन्म वैज्ञानिक बुबैलस, बुबैलिस का उत्पत्ति स्थान हमने आप सबको बता दिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र माना जाता। उसके बाद भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम ओबिस एराइस हो जाएगा, बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस हो जाएगा। का विकास 1000 वर्ष पूर्व एशिया के शीतल क्षेत्र या यूरोप क्षेत्र में माना जाता। क्या माना जाता? एशिया के शीतल क्षेत्र तथा यूरोप क्षेत्रों में माना जाता। अब देखिए अगला हेडिंग आ जाता है, प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं के पालतूकरण बनाने की प्रक्रिया। क्या जाता है? प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया। अब इसके आगे अब देखो आप सबको जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में आप सबको हम बता देते हैं। चलिए जितने भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए अगर पूछ लेता गाय में गुणसूत्र की संख्या, इसमें गाय में गुणसूत्र, तो गाय में अगर पूछ लेता गुणसूत्र की संख्या कितना पाया जाता तो 60 पाया जाता। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसी में से पूछा था कि गाय में गुणसूत्र की संख्या, अब सभी में हम क्रोमोसोम नंबर आप सबको बता देते हैं। तो गाय में अगर पूछ लेगा तो गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होता, कितना होता? 60 होता। अगर वहीं पर पूछ लेता भैंस, इसमें भैंस, भैंस में गुणसूत्र की संख्या 50 और 48 होता। दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कहीं पूछेगा तो आप दोनों उठा के लिख दीजिएगा, ठीक है? भैंस में गुणसूत्र की संख्या 50 और 48 होता, कितना होता है? 50 और 48 होता है। एक एक क्वेश्चन आप सबको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, जितने भी स्टूडेंट का कमेंट आया, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आप सबको बता रहे हैं। गाय के दूध में वसा की मात्रा अभी आप सबको बताएंगे, परेशान ना होंगे। देखिए गाय में पुरुषोत्त की संख्या 60 होता, कितना होता है? 60 होता है। उसके बाद भैंस में पुरुषोत्त की संख्या 50 और 48 होता, कितना होता है? 50 और 48 होता। अब आगे आप सबको बताते हैं, अगर वही पूछ लेता बकरी, बकरी में पुरुषोत्त की जो संख्या होती है वो भी 60 होता, कितना होता? 60 होता। गाय और बकरी दोनों में पुरुषोत्त की संख्या समान होती है, क्या होता? मतलब 60 ही पाया जाता है। अगर वही पूछ लेता भेड़, भेड़ में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई, तो भेड़ में गुणसूत्र की संख्या 54 पाया जाता, कितना पाया जाता? 54। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बकरी में गुणसूत्र की संख्या, तो बकरी में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है, भेड़ में गुणसूत्र की संख्या, भेड़ में गुणसूत्र की संख्या 54 होता, कितना होता? 54। अगर वही कहीं पूछ लेता मुर्गी, मुर्गी में गुणसूत्र की संख्या अगर पूछ लेगा तो 78 होता, 78 होता, कितना होता है? 78 होता। अभी आप लोगों को सबके बारे में बता देंगे, ठीक है? तो मुर्गी में जो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 78 यानी 78 होता, कितना होता? 78 या 78 होता। देखिए गाय में और बकरी में 60 हो जाएगा, भैंस में 50 और 48 होता है, भेड़ में 54 हो जाएगा, ठीक है? और मुर्गी में कितना हो जाएगा? 78 यानी 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 78 या 78 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला हमने आपको बताया था, अब देखिए पशुओं के पालतूकरण बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। अब आपको यहाँ पर यह हेडिंग तैयार रखना है, क्या हेडिंग आपको जरूर तैयार होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड पेपर में जा रहे हैं तो आप सबको एक एक हेडिंग याद होना आप सबको बहुत जरूरी है। आप अंदर आपको अगर बना के लिख देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्यों? अगर आपको हेडिंग अच्छे से तैयार है तो आप बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसको कोई उतना याद नहीं कर सकता, जो मेन मेन पॉइंट है केवल आपको उसी का ही तैयार करना है। अब देखिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है,
तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पशुओं को पालतू कर्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो कितने चरण में पूरी होती है, तो चार। तो पशुओं को पालतू कर्म बनाने की प्रक्रिया चार चरणों में, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया कितने, चार चरणों में पूरी होती है। तो पशुओं को पालतू कर्म बनाने की कितनी प्रक्रिया, चार। अब चारों के नाम हमें यहाँ पर ध्यान रखना बस। अब नंबर एक आ जाता हमारे प्राइमरी या प्रारंभिक चरण या प्राइमरी स्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक चरण या प्रारंभिक स्टेज हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता सेकेंड स्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेज। और तीसरा हमारा हो जाता थर्ड स्टेज, और चौथा हमारा हो जाएगा फोर्थ स्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौथ यानी फोर्थ स्टेज। नादान बालक बता रहे हैं फोर्थ, शिवम कुमार बता रहे हैं फोर्थ, चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ चार चरणों में ही पूरा होता है। हाँ लग रहा है काफी स्टूडेंट होली आज ही से मनाने लगे हैं, चलिए ठीक है, हमारा हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। अब पशु के पालतू क्रम बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती, चार, कितना हो जाएगा, चार। अब नंबर एक हो जाएगा हमारा प्राइमरी स्टेज या प्रारंभिक चरण। अब देखिए इस चरण में मनुष्य यानी जो आप सबको मेन मेन पॉइंट है जो इसमें आप सबको बताने लगे उसमें हम आप सबको यहाँ पर बता दे रहे हैं। इस चरण में मनुष्य अपने भोजन एवं वस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था यानी पालन करता था। इस समय में पशु प्रजनन यानी प्रजनन के लिए स्वतंत्र, प्रजनन के लिए स्वतंत्र तथा प्राकृतिक थे, क्या थे, प्रजनन के लिए स्वतंत्र तथा प्राकृतिक थे। यानी जो हमारा प्रारंभिक स्टेज या प्रारंभिक जो चरण है, इस चरण में मनुष्य अपने भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यानी पशुओं के जो मतलब इसका पशुओं के पालन करता था या पालतूकरण बनाया था। मतलब जो प्राइमरी स्टेज हो जाता है इस यानी प्राइमरी जो स्टेज हो जाए या प्रारंभिक चरण हो जाएगा, इस चरण में मनुष्य जो पशुओं को पालतू बनाते थे वो किस पर्पज से, भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था, किसके लिए, भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इस समय में मनुष्य यानी इस समय में पशु जो होता है प्रजनन के लिए स्वतंत्र तथा प्राकृतिक थे। स्वतंत्र मतलब यह था कि जैसे वो जंगल में अगर वो मतलब गर्भ धारण कर लेते तो अच्छी बात है। आजकल यह होता है लोग पशु का पालन करते हैं तो अगर उसको गर्भ धारण कराने के लिए ले जाते थे, क्या, गर्भ धारण कराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन तो उस समय जब पशु थे तो मतलब प्राकृतिक रूप से मतलब स्वतंत्र थे, अगर गर्भ धारण हो गया मेल या फीमेल का तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन तो जो इसमें जो मनुष्य अपना पशुओं को पालतू बनाता था किस पर्पज से, भोजन तथा वस्त्रों की पूर्ति के लिए, किसके लिए, भोजन तथा वस्त्रों की पूर्ति के लिए करता था। आकांक्षा पाल पूछ रहे हैं कि गाय का जेर ब्याने की कितने समय बाद बीत जाता है, तो जो जेर होता है वो लगभग हमारा होता है 2 से 4 घंटे के आसपास, 2 से 4 घंटे। यानी जो राइट क्वेश्चन है कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है कि गाय जो होता है बच्चा देने के कितने समय बाद जेर वो गिरा देती है, तो लगभग 2 से 4 घंटे का समय लगता है, कितना, 2 से 4 घंटे का। चलिए ठीक है, अब इतना आप सब उसके बाद आया था सेकेंड स्टेज यानी द्वितीय चरण, क्या आया था, सेकेंड स्टेज या द्वितीय चरण। इस चरण में मनुष्य बोझा यानी बोझा ढुलवाने के लिए, यहाँ कर लेना बोझा ढुलवाना, ढुलवाने का कार्य प्रारंभ किया। मतलब जो हमारा सेकेंड चरण था, क्या, द्वितीय स्टेज या सेकेंड चरण, यानी इस स्टेज में जो होता मनुष्य ने पशुओं के द्वारा बोझा ढोने का कार्य धीरे धीरे प्रारंभ किया या बोझा ढुलवाने का कार्य प्रारंभ किया। यानी जो सेकेंड चरण था इसमें मनुष्य ने मनुष्य द्वारा जो पशु कौन सा कार्य प्रारंभ किया गया, तो बोझा ढुलवाने का कार्य धीरे धीरे प्रारंभ किया। और हमारा जो तीसरा चरण था इसमें धीरे धीरे यानी मनुष्य को यह ज्ञान हुआ कि हमें पशुओं का भी पालन करना चाहिए, जिससे जो हमारी मतलब जो हमारे इकोनॉमी के लिए हमें जो अपने दैनिक जीवन में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और चौथा जो चरण था इसमें मतलब ये पशु यानी मनुष्य द्वारा पशुओं से दूध तथा इनसे जो भी हमारे दूध घी या जो भी धीरे धीरे ने यह आभास हो गया कि पशुओं से हमें दूध भी प्राप्त किया जा सकता है, इस पर्पज से मनुष्य ने इसको पालतू बनाने लगा। तो ये चार स्टेज है, चार अवस्थाओं के बारे में हमने आप सबको बता दिया है। तो पशु के पालतू कर्म बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, आपको चारों के नाम ध्यान रखना, प्रारंभिक या प्राइमरी चरण यानी प्रारंभिक चरण हो जाएगा, सेकेंडरी या द्वितीय चरण हो जाएगा, उसका थर्ड स्टेज या तृतीय चरण, और चौथा हमारा जो फोर्थ स्टेज या चतुर्थ
चरण, इन चारों के बारे में एक बार आप किताब भी देख सकते हैं, हमने चारों के नाम अच्छे तरीके से आप सबको याद करा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला जाता है कि मनुष्य ने अपने जीवन के क्षेत्रों में यानी अपने जीवन क्षेत्रों में पशुओं की आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर उनको पालतू बनाया था। यानी मनुष्य ने अपने जीवन के क्षेत्रों में क्या जीवन क्षेत्र में पशुओं की आवश्यकता किसकी पशुओं की आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर उन्हें पालतू बनाया था। ठीक है, ये हमारे चौथे चरण के अंतर्गत वही हमने आप सबको बता रहे थे चौथे चरण। अब अगला आ जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ यानी पालतू कर्म बनाने के जो हमारे पशुओं के सिद्धांत हो जाते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ थ्री थ्योरीज यानी पशुओं के पालतूकरण के सिद्धांत कितने हो जाएंगे तो पशुओं के पालतूकरण के तीन सिद्धांत है। देखिए पालतूकरण बनाने की अगर प्रक्रिया पूछ लेगा कितने चरणों में पूरी होती तो चार, लेकिन तो पशुओं के पालतूकरण बनाने के कितने सिद्धांत है तो तीन हो जाएंगे। कितने? अब पहला हमारा जाता है सोशल या सामाजिक, क्या हो जाएगा सोशल या सामाजिक। दूसरा हमारा हो जाता है उपयोगिता और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा धार्मिक। यानी मनुष्यों ने पशुओं के पालतूकरण या पशुओं के पालतूकरण के कितने सिद्धांत है तो तीन सिद्धांत है। कितने सिद्धांत हो जाएंगे? तीन। तीनों के नाम पहला हो जाएगा सामाजिक धार्मिक और उपयोगिता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सामाजिक धार्मिक और उपयोगिता। अब सामाजिक मतलब अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमारा मतलब ये होता कि हमें एक दो पशु का पालन करना चाहिए, ये हो जाता। और हमारा धार्मिक जैसे अगर आप देखोगे गाय के दूध या गाय के मूत्र या गाय के गोबर का जो प्रयोग किया जाता है धार्मिक चीजों में, जैसे गांव में लोग कथा सुनते हैं या शादियों में जो काम आता है, ये सब क्या हो गया? धार्मिक चीज। और जैसे हमारा उपयोगिता, अब हम उपयोग करते हैं जितने हम पशु का पालन करते हैं उससे हम उपयोग भी करते हैं, उससे हमें दूध भी प्राप्त होता है, घी भी प्राप्त होता है, दही भी प्राप्त होता है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत है? उपयोगिता के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? उपयोगिता के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन पशुओं के पालतूकरण बनाने के कितने सिद्धांत है? तीन, सामाजिक धार्मिक और उपयोगिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक धार्मिक और उपयोगिता। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जाता है इंपॉर्टेंस इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक या पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। क्या हो जाएगा? पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। अब हम स्टार्ट करेंगे यानी जो जो हमारी नस्लें होती हैं या भारतीय नस्लें चाहे गाय की होंगी भैंस की होंगी या बकरी, इन सभी का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है गाय की नस्लें, काउ ब्रीड्स जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउ ब्रीड्स या गाय की नस्लें हो जाए। अब देखिए गाय की नस्लें, हमारे देश में पाई जाने वाली गायों की नस्लों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। मतलब हमारे देश में जो भी गाय की नस्लें पाई जाती है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तीन वर्गों में बांटा गया, तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? तीन। यानी अब हम आप कहते हो यानी पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लों के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काउ ब्रीड्स या गाय की नस्लें। क्या स्टार्ट करेंगे? काउ ब्रीड्स या गाय की नस्लों को मतलब देखेंगे। तो हमारे देश में पाई जाने वाली जो गाय की जो नस्लें हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया? तीन वर्गों में। कितने है? तीन वर्गों में। पहला हमारा हो जाएगा दुधारू नस्ल। क्या हो जाएगा? दुधारू नस्ल जिसे बोला जाता है मिंच डेयरी ब्रीड्स। क्या हो जाएगा? मिंच डेयरी ब्रीड्स या जिसे बोला जाता है दुधारू नस्ल। चले ठीक है, पहला हो जाएगा दुधारू नस्ल, दूसरा हमारा हो जाएगा दुई काजी नस्ल जिसे बोला जाता है डुअल पर्पज ब्रीड्स। क्या बोला जाता है? डुअल पर्पज ब्रीड्स। और तीसरा हमारा हो जाएगा भारवाही यानी जिसे बोला जाता है ड्रॉप ब्रीड्स। क्या बोला जाता है? ड्रॉप ब्रीड्स। यानी हमारे देश में पाई जाने वाली गाय की नस्लों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तीन वर्गों में बांटा गया। कितने? तीन। तो पहला हो जाएगा हमारी दुधारू नस्ल, दूसरा हमारा हो जाएगा दुई काजी, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? भारवाही नस्ल। क्या हो जाएगा? भारवाही नस्ल। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए दुधारू नस्ल, अब दुधारू नस्ल क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या दुधारू नस्ल क्या होती है इनके बारे में हम देखते हैं।
स्वर्ग की गाय बहुत कम दूध या सॉरी बहुत दूध देती है, यानी इस जो हमारी दुधारू नस्ल होती है इस स्वर्ग की गाय बहुत दूध देती है। लेकिन बैल, लेकिन जो बैल होते हैं, लेकिन बैल कृषि कार्यों के लिए सुस्त होते हैं। किसके लिए? कृषि कार्यों के लिए सुस्त होते हैं और इनमें गलकंबल डेवलप होता है, गलकंबल जो होता है वो विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। और मुतान जिसे बोलता है सिद्ध, ढीले ढीले ढाले और झूलते हुए रहते हैं। मतलब जो हमारा होता है, जो हमारी दुधारू नस्ल होती है, इस नस्ल की जो गाय होती है वो बहुत दूध देती है। क्या होती है? बहुत दूध देती है। लेकिन बैल जो होता है कृषि कार्यों के लिए सुस्त होते हैं। बैल जो होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए सुस्त होते हैं। इनमें गलकंबल जो होता है वो डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है। और मुतान जिसे बोलता है सिद्ध, ये ढीले ढाले और झूलते हुए होते हैं। क्या होते हैं? ढीले ढाले और झूलते हुए होते हैं। तो अगर पूछ लेता है कि दुधारू नस्लें क्या होती है, इनके बारे में आपको लिखना है, तो दुधारू नस्ल के बारे में सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, ये इनका मेन पॉइंट है दुधारू नस्ल पे। उसके बारे में हम नस्लों का वर्गीकरण धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल हमारे आ जाता है कि दुधारू नस्लें कौन कौन सी होती है। तो पहला हो जाएगा साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी, ये गाय की दुधारू नस्ल हो जाएगी। किस कौन से हो जाएंगे? गाय की दुधारू नस्ल हो जाएंगे। अब दुधारू नस्ल के बारे में आपको काम ने बता दिया। पहले जो हमारे देश में गाय की नस्लें पाई उसको कितने वर्गों में? तीन, दुधारू, द्विगाजी और भारवाही। पहला हम आप सबको बता रहे हैं दुधारू नस्ल, इस वर्ग की गाय बहुत दूध देती है, लेकिन जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए सुस्त होते हैं। इनमें गलकंबल जो होता है विकसित होता है और मुतान जिससे सिद्ध जो होता है ढीले ढाले और झूलते हुए रहते हैं। अब दुधारू नस्ल हमारी कौन कौन सी होती है इसको आपको ध्यान रखना। साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी। इतना आप सबको पता है कि गाय की दुधारू नस्ल कौन कौन सी होती है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है द्विगाजी नस्ल। क्या आ जाता है? द्विगाजी नस्लों के बारे में हम देख लेते हैं, गाय की द्विगाजी नस्ल के बारे में। यह गाय बहुत ये गाय अधिक दूध देती, मतलब बहुत अधिक नहीं, ये गाय अधिक दूध देती, मतलब दुधारू नस्ल से थोड़ा कम दूध देती है द्विगाजी जो। और बैल औसत पशुओं की अपेक्षा, और जो इनके बैल होते हैं वो औसत पशुओं की अपेक्षा कार्य तथा बोझा ढोने में अच्छा कार्य करते हैं। मतलब जो इनके बैल होते हैं औसत, मतलब जो अन्य पशुओं की अपेक्षा कृषि, मतलब कृषि कार्य तथा बोझा ढोने में अच्छा कार्य करते हैं। तो आपको जैसे अगर पूछ लेता है कि दुधारू नस्ल या द्विगाजी नस्ल के बारे में वर्णन कीजिए, तो पहले आप सभी लोग ये लिख लीजिएगा कि ये गाय अधिक दूध देती है और इनके बैल जो होते हैं औसत पशुओं की अपेक्षा कृषि कार्य तथा बोझा ढोने में अच्छे होते हैं। क्या होते हैं? बोझा ढोने में अच्छे होते हैं। अब हमारी द्विगाजी नस्ल कौन कौन सी होती है? थारपारकर, राठी, हरियाणा, कांकरेज, मेवाती। ये गाय की कैसी नस्ल हो जाएगी? द्विगाजी नस्ल हो जाएंगे। कैसी नस्ल हो जाएंगे? द्विगाजी नस्ल हो जाएंगे। उसके बाद अगला जाता है भारवाही नस्ल, जिसे बोला जाता है ड्राफ्ट ब्रेड्स। क्या बोला जाता है? भारवाही नस्ल, या जिसे कहा जाता है ड्राफ्ट ब्रेड्स। इस वर्ग की गाय बहुत कम दूध देती है, यानी जो हमारी भारवाही नस्ल होती है इस वर्ग की जो गाय होती है वो बहुत कम दूध देती, यानी दूध कम देती है। लेकिन बैल कृषि कार्यों तथा बोझा ढोने के लिए उपयुक्त होते हैं। भारवाही मतलब बोझा ढोने के लिए, भारवाही मतलब क्या होता है? बोझा ढोने के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोझा ढोने के लिए। तो इस वर्ग की जो गाय होती है वो बहुत कम दूध देती है। लेकिन बैल किससे कार्यों, बैल जो होते हैं वो किससे कार्यों तथा बोझा ढोने के लिए उपयुक्त होते हैं। किसके लिए? कृषि। इसलिए इसे क्या बोले तब भारवाही नस्ल कहा जाता है। अब भारवाही नस्ल हमारी कौन कौन सी होती है? मेवाती हो जाएगा, अमृत महल हो जाएगा, नागौरी हो जाएगा, गंगा तीरी हो जाएगा, खेरीगढ़ हो जाएगा, कैन कथा हो जाएगा, हल्लीकर हो जाएगा और मालवी। ये सब गाय की कैसी नस्ल है? भारवाही नस्ल हो जाएगी। कैसी नस्ल हो जाएंगी? गाय की भारवाही नस्ल हो जाएगी। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। पहले हमने बताया गाय की नस्लों को कितने वर्गों में भागती है, तीन, दुधारू, द्विगाजी और भारवाही हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दुधारू, द्विगाजी और भारवाही। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गाय के दुधारू नस्लों का वर्गीकरण। अभी तक हमने केवल नस्लों के बारे में एक शॉर्टकट पढ़े,
कि जो दारू नस्ल क्या होती है, दुई काजी नस्ल क्या होती है, भारवाही, ठीक है। अब एक एक नस्लों के बारे में आप सबको बताएंगे, इसके बारे में एक एक जो हमारी गाय की नस्ल होती है, जैसे दुधारू नस्ल है तो दुधारू में साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी, अब इन सभी के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। भाई देखो यहाँ पर सभी लोग क्यों पढ़ाई कर लो, कमेंट बाद में करना, ठीक है, क्योंकि कमेंट अगर यहाँ पर आप तो हम कमेंट पढ़ने में लग जाएंगे तो समय निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर सर पे है तो हमें थोड़ा कोर्स भी आप सबको यहाँ पर कंप्लीट कराना है जो भी हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आप सबको हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इतना परेशान होने की किसी कोई जरूरत नहीं, आप सब लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी लोग केवल पढ़ाई के लिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर दूसरे का कमेंट के जवाब दे रहे हैं, भैया खुद की जिंदगी बना लो, दूसरे जिंदगी के बारे में बाद में सोचना, ठीक है, पहले पढ़ाई करके अच्छे से कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या अच्छी हमें मतलब इंटरमीडिएट में अच्छा परसेंटेज ले आओ, उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पहले अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये था गाय की दुधारू नस्लों का वर्गीकरण। अब सबसे पहले हमारा ये था साहिवाल नस्ल। अब साहिवाल नस्ल आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये किसकी नस्ल है, तो ये गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल, और गाय की तो नस्ल लेगी तो कैसी नस्ल है, दुधारू नस्ल है, कैसी नस्ल है, दुधारू नस्ल है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है ये किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, कैसे नस्ल है, तो दुधारू नस्ल है, कैसे नस्ल हो जाएगी, दुधारू नस्ल। अब देखिए साहिवाल गाय का उपनाम अगर पूछ लेता है कि साहिवाल गाय का उपनाम क्या हो जाएगा, तो मॉन्टगोमरी और लोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉन्टगोमरी तथा लोला, यानी साहिवाल गाय का अन्य नाम या उपनाम क्या होता, मॉन्टगोमरी तथा लोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉन्टगोमरी तथा लोला हो जाएगा। अब देखिए इसका मूल स्थान, अब साहिवाल जो गाय की नस्ल है इसका उपनाम हमने आप सबको बता दिया, अब इसका मूल स्थान क्या है, पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला हो जाएगा, यानी साहिवाल किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, इसका उपनाम मॉन्टगोमरी तथा लोला हो जाएगा, इसका मूल स्थान पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, देखिए भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है और सबसे मीठी दूध देने वाली नस्ल है, यानी जो साहिवाल गाय की नस्ल है ये भारतीय नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, क्या, भारतीय नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है और सबसे अधिक मीठी दूध देने वाली नस्ल है, तो कौन सी हो जाएगी, साहिवाल हो जाएगी, कौन सी, साहिवाल। अब सामान्य विवरण इनका आ जाता, क्या, सामान्य विवरण, यह दुधारू नस्ल है, पहले आ जाता क्या, यह दुधारू नस्ल है, इस नस्ल के पशु सामान्यतः लाली लिए हुए, क्या होता है, इस नस्ल के पशुओं का रंग या सामान्यतः लाली लिए हुए हल्के पीले रंग के होते हैं, यानी साहिवाल जो हमारी गाय की नस्ल है इसका अगर रंग पूछ लेगा तो लाली लिए हुए हल्के पीले रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, लाली लिए हुए हल्के पीले रंग के होते हैं। और अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि साहिवाल जात के पशुओं का शरीर समसममित होता है, जिसे बोलता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सब सम्मिलित, मतलब सिमेट्रिकल होता है, जिनके शरीर को, जिनके शरीर को मध्य से दो बराबर भागों में आसानी से डिवाइड कर देते हैं उसे हम बोला जाता है सब सम्मिलित या सिमेट्रिकल बोला जाता है, ठीक है। तो साहिवाल जात के पशुओं का शरीर सम सम्मिलित होता है, इनके सिंह छोटे और मोटे, इनके सिंह छोटे और मोटे, माथा चौड़ा, क्या होता है, माथा चौड़ा, तथा शरीर जो होता है भारी भरकम होता है, क्या होता है, भारी भरकम होता है। साहिवाल नस्ल जो होता है ये भारतीय नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है या और सबसे अधिक मीठी दूध देने वाली नस्ल है। इनका सामान्य विवरण, यह दुधारू नस्ल है, इस नस्ल के पशु सामान्यतः लाली लिए हुए, कैसे, सामान्यतः लाली लिए हुए हल्के पीले रंग के होते हैं, और साहिवाल जात के पशुओं का शरीर समसममित सिमेट्रिकल होता है, इनके सिंह छोटे मोटे, माथा चौड़ा तथा शरीर भारी भरकम होता, क्या होता है, शरीर भारी भरकम होता है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, देखिए अब आ जाता साहिवाल नस्ल की गाय की प्रथम ब्याह की उम्र। अगर पूछ लेता साहिवाल गाय की जो नस्ल है इसकी प्रथम ब्याह की जो उम्र होती है 3.5 वर्ष,
यानी इस नस्ल की जो प्रथम व्याध की उम्र जो होती है वो 3.5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3.5 वर्ष होती है। अब इनका दुग्ध उत्पादन, साहिवाल नस्ल का जो दुग्ध उत्पादन होता है 2200 से 2250 लीटर प्रति व्याध होता है। कितना होता है? 2200 से 2250 लीटर प्रति व्याध होता है। तो इनकी साहिवाल इस नस्ल के प्रथम व्याध की उम्र 3.5 वर्ष होती है। इनका दुग्ध उत्पादन 2250 लीटर प्रति व्याध होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गाय के जन्म वगैरह बोस सिंडिकस या विदेशी गाय का बोस टोरसस हो जाएगा। देसी गाय का बोस सिंडिकस, विदेशी गाय का बोस टोरसस। गाय की फैमिली देखिए, गाय, भैंस और कामा बकरी, इन सभी की जो फैमिली पूछ लेगा तो वो बोबडी होता। क्या होता? बोबडी। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, गाय भैंस तथा बकरी की फैमिली जो होता है बोबडी होता। गाय में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है, आप सबको हमने एनिमल हस्बेंड्री का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको उपलब्ध कराए हैं। अब कोशिश करेंगे आप सबको अगले क्लास में, फिर हम आपको कोशिश करेंगे, हो सकता है कल क्लास आप रहे तो बाकी आप सबको अगर क्लास रहेगी तो शेड्यूल लगा दिया जाएगा। वैसे आज काफी कम स्टूडेंट इस समय लाइव आए हैं, हम सबका टारगेट यही होता है। देखिए जो हमने आप सबको मेन मेन पॉइंट हमने बता दिया, बाकी और आप सब लोग बना के लिख सकते हैं बोर्ड पेपर में। अगर हमने आप सबको एक जैसे दुधारू नस्ल के बारे, साहिवाल के बारे हमने आप सबको कम से कम 5-7-8 लाइन बता दिया, इसके बारे में और आप बढ़ा के लिख सकते हैं, कम से कम आप इसमें 15 लाइन लिख सकते हैं। और एक पेज में अगर आप अच्छे से एक नस्ल को कंप्लीट कर सकते आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए आज के लिए हमारा जो लेक्चर है, सेशन है, यही हम समाप्त करते हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट पुनः शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके छात्र अगर नहीं आ पाए हैं लाइव तो जिससे उनके उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके, अपने बोर्ड पेपर की तैयारी और प्लस ईपी कैडेट के क्वेश्चन भी यहाँ पर आप सबको बताए जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी ईपी कैडेट के यहाँ पर बताए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बाकी उन सभी लोगों का कमेंट का जो आंसर है नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।